इलेक्शन तो 19 जून का है, लेकिन आपने इतनी तादाद में आकर के आज ही इलेक्शन को जिता दिया है, आज ही जिता दिया है आपको। आपको उसकी मैं सभी जनता को, सभी वार्डवासियों को बधाई देता हूँ। आज हमारे बीच में देवेंद्र जी बबली, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी आपके बीच में आए हैं वोटों की अपील करने के लिए। आपने ज्यादा से ज्यादा, मैं भी अपील कर रहा हूँ, आपने ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके रमेश गोयल को कामयाब बनाना है। चुनाव की है चाबी के बटन को दबा करके इतनी वोटों से दबाओ कि सामने वालों की हवाई निकल जाएगी भाई। साथियों, हमारे सामने कुछ उम्मीदवार धन बल से इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, पैसे से इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, साथियों शराब बांट के इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, लेकिन आप उनके बहकावे में मत आना। उनका तो काम सिर्फ ये है कि हम पैसे के नशे में अंधे हैं और किसी तरह हम नगर परिषद के चेयरमैन बन जाएंगे, उनको तो एक ही भूख है। साथियों, मैं तो आपके जैसा ही आदमी हूँ, आपके बीच का आदमी हूँ, स्कूटी पे चलता हूँ, आधी रात को भी आवाज मारोगे, आधी रात को आपके पास स्कूटी पे खड़ा पाऊंगा। जैसा जितने भी कैंडिडेट यहाँ खड़े, उनमें से एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं, निस्वार्थ व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, हर लिहाज से जुम्मेवार व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति। और दोस्तों, फिर सोने पे सुहागा ये बढ़ जाता है कि मंत्री जी आपके बीच में है, देवेंद्र बबली, सरकार हमारी है और सरकार का नुमाइंदा अगर बढ़ाओगे रमेश गोयल जी को, तो ये मान के चलो कि पैसे की दिक्कत हो ही रहेगी। पैसा मंत्री जी लेके आएंगे, लगाएंगे यहाँ गोयल साहब, आपकी गलियां हो, पानी की बात हो, वाटर सप्लाई हो, कोई आपका सीवरेज हो, कोई और काम हो, सभी काम आपके टनाटन होंगे। मैं तो इतना कहूंगा कि आज समय की कमी की वजह से जब जीत के आप जीत का सेहरा इनके सिर बांधों पे, फिर आएंगे आपका धन्यवाद करने के लिए, फिर लंबी बात करेंगे। मैं तो आप सबसे उम्मीद करूंगा कि इतनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, अगर वो वोटर बाहर भी गया तो उसको भी बुला करके एक एक वोट रमेश जी के हक में, और चाबी का जो चुनाव चिन्ह है, जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह चाबी का जो है, उसके सामने वाला बटन दबा करके आप लोगों ने अपना चेयरमैन बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई रमेश गोयल जी, हमारे बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही आदरणीय सरदार निशान सिंह जी, हमारे संघर्ष के साथी नेत्राम डाबला जी, अगर इजाजत है तो सम्मानित मंच बोलती हूँ जी, समय कम है, सम्मानित मंच, मवाल साहब, हमारे भाई मवाल जी, सोनी भाई साहब, सारे विषय पूछ लिए, पहले इजाजत लेके बोल रहे हूँ, क्योंकि नाम लेगा तो समय की कमी है, आप मेरे सभी दिलों में हो, हमने लंबा एक साथ संघर्ष किया है। मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो, नौजवान साथियों और बहुत भारी संख्या में पहुंचे मेरी मातृशक्ति, माताएं बहने, प्यारे बच्चों, वार्ड में पहुंचने पर जिस जोश के साथ आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं सभी वार्डवासियों का तहे से धन्यवाद करता हूं। साथियों, लंबी बातें नहीं करूंगा, दो चार बातों में बड़ी बात समाप्त करूंगा। कहने को तो बहुत कुछ है, समय की पाबंदी है, 10 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, ना ही मैं आपसे अनजान हूँ आपके लिए, ना ही रमेश गोयल जी अनजान है, ना ही सरदार निशान सिंह जी। अगर 2.25 साल पहले की बात करूं तो आपने बड़ी ताकत के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ आपने बहुत बड़ा बदलाव टोहाना के अंदर आप लेकर आए। साथियों, हमारे पूरे परिवार का यह सौभाग्य रहा कि सर्व समाज के लोगों का 36 राज्य को साथ लेकर चलने का और सबका मान सम्मान बढ़ाने का, सबकी सेवा करने का मौका हमें मिला। साथियों,
हमने ना कोई कभी यह सोचा कि किस समाज से है, ना कोई हमने अमीर गरीब की दीवार खाई खोदने का काम किया। जो परंपरा तुहाना में थी, फूट डालो, शासन करो, भाई से भाई को लड़ाओ, जात पात का दहर गोड़ो, उसको आप लोगों ने हमने मिलकर बंद करने का काम किया। आज तुहाना की चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में होती है। और एक बहुत बड़ा बदलाव, जो जब मेरा चुनाव था, जब आपने मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया, जब बड़ी विपरीत परिस्थितियां दिशा की, आपने विश्वास मेरे अंदर देखा, जो लंबे समय से पूरी तपस्या तप करवाया, कंपनी का कोई ध्येय नहीं था कि मुझे विधायक बनना है, लेकिन तुहाना तक की मांग थी, तुहाना तक की डिमांड थी। यहाँ जो राजनीति होती रही वो शोषण की थी, गरीबों को दबाने की थी, उनको शोषित करने की थी, भाईचारा खराब करने की थी, और भाई आपस में हमारे समाज का माहौल खराब हो और उसके जरिए वोट लेकर सत्ता सुख भोगने की राजनीति थी। साथियों, पिछला समय कोविड का था, जिस सोच के साथ आप लोग और हम लोग इकट्ठे होकर एक संगठन बनाकर चले और जेजेपी की पार्टी ने लाठियां में टिकट देकर आपके बीच में मैदान में चुनाव में उतारा, हमने आपसे कई वादे किए थे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको मान सम्मान देंगे, सिर्फ समझ का सम्मान करेंगे, और जो आज तक तुहाना में विकास नहीं हुआ उस विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। साथ विधायक बनते ही पहले दिन से परिस्थितियां मणि सरकार में गए, आपका भाग्य जोर कर गया था। हालांकि उस टाइम जब आप मुझे वोट डाल रहे थे, शायद आप लोगों ने सोचा होगा कि आज जिस ताकत के साथ तुहाना में आपके आशीर्वाद आपके विश्वास के साथ मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में खड़ा हूँ, शायद ये सोच उस टाइम नहीं थी आपकी। आपकी एक सोच थी कि हमने सबको बच के देख लिया, एक मौका इस मारे से तुम्हारे छोरे को देंगे, बबली को देंगे, और बबली के अंदर आपने विश्वास दिखा, आपने तुहाना का बदलाव दिखा, उसी के लिए मैं काम करने में जुटा हुआ। ये ठीक कह रहे थे नेताराम जी, पिछले दो साल में जिस जोश के साथ जिस विकास की गति को हम देखना चाहते थे, वो गति कोविड और आंदोलन की वजह से हम तुहाना में नहीं ले कर पाए। फिर भी हमने पुरजोर प्रयास किया, काफी पैसा लेकर आए, पानी के निकास का पैसा लेकर आए, गली नालियों का पैसा लेकर आए, और थोड़ा सा सरकार ने इंजीनियरिंग पोर्टल बढ़ाया, वरना 3-4 महीने पहले तो हमारे यहाँ भी काफी पैसा आया हुआ है, करीब 12 करोड़ रुपया हमने लेके रखे हुआ मैंने, और 40 करोड़ रुपया के साथ डेवलपमेंट कार्य शुरू हो चुके हैं, और 20-25 करोड़ के एस्टिमेट में और बना के बेचे हुए हैं। पूरे टोहाल के अंदर कैमरा लगाने का काम हम लोग करेंगे, हमारे जो नशे की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, शासन को प्रशासन को और सख्ती से, उनको पिछले दिनों भी काफी छापेमारी करवा के मैंने काफी लोगों को कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई कराने का काम किया है साथियों, ताकि हमारे बच्चों का जीवन न खराब हो। शिक्षा के क्षेत्र में सारे स्कूलों में सोलर और स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर जो प्राइवेट वाली सुविधा है उसमें मैं काम करने में लगा हुआ हूँ। आज मैं शहर की बात करूंगा, गांव की बात नहीं करूंगा, क्योंकि शहर में बैठा हूँ, जो हमारी कॉलोनी है इसमें मैं मानता हूँ वहां भी समस्याएं हैं, उनको आने वाले समय में ठीक करने का काम करेंगे साथियों। मैं सिर्फ आज एक बात करने आया हूँ, आपने मुझे 5 साल के लिए मौका दिया, 2 साल वक्त भी खराब हुए हैं, हम सब जानते हैं पूरे विश्व में महामारी आई, लेकिन जो ये अगले समय भी बचा हुआ है, इसमें एक बबली जैसी टीम दे दो, जो लोग आपने नकार के तुहाना से बाहर निकाले थे, आज वो धन बल के प्रयोग से किसी तरीके से तुहाना के वासियों को दोबारा से अपने चंगुल में लेना चाहते हैं। उस चंगुल से बाहर निकलने में आपका 11 साल का समय लगेगा साथ, वो गलती मैं मानता हूँ मेरे तुहाना का आदमी समझदारा दोबारा कभी नहीं करेगा, इनसे बढ़िया कैंडिडेट आपको नहीं मिल सकता। रमेश गोयल जी से चाबी का चुनाव चिन्ह है, इन्हें मेयर बनाओ, जो अपने वार्ड में अच्छे थोड़े जो भी कैंडिडेट करे उन्हें एमसी बना के एक अच्छी टीम देने का काम करो, जो सपना अपने सारे में मिलकर देखा था उसने पूरा करने का आपके बीच में वादा करके जान लग रहा हूँ। आने वाले समय में 22 रिजल्ट आएगा, दोबारा आएंगे, लंबी चर्चा करूंगा, सारी बातें सुनेंगे, और उसके बाद तुहाना को विकास की गति को बढ़ाने का भी काम करेंगे। आप सारे के सारे आए, काफी लंबे समय से आपने इंतजार भी किया है, एक एक वोट की कीमत होती है साथियों, रिश्तेदार बहन बेटी अपने कोई अपने बच्चा ब्याह रखे पड़े कोई बहु वो बात जारी हो उसको भी लेके आने का काम करें, एक एक वोट की कीमत होती है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज तुहाना की वोटों की आनी चाहिए, जैसे आपने मेरे चुनाव में करवाई थी। साथियों, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, पहली बात तो ये सोचा ही था कि जिस सरकार के साथ आज हम गठबंधन में हैं, ये माहौल बन जाएगा, हमारा सरकार भी हिस्सा हो जाएगा। उस टाइम लोग दुखी हो चुके थे, स्मैक बेचने वाले जो लोग आपने चुन के बेचे थे, बहन बेटियों की आबरू के पीछे पड़ गए थे, गुंडा माहौल पैदा कर दिया था, व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया था, सारे विभागों से थाना तहसील कमेटी का नाश कर दिया, सब जगह से मंत्रियों के सिवा कोई काम नहीं था, भूत मरे थे,
भूख मरे थे, भूख मिटाना चाहते थे। आपका भाई का अपने सुख तो है, जेब तो नहीं कटता किसी की, ना दफ्तरों में कोई मंत्री बैठी होती। मैं नहीं कहता 100% काम ठीक होगा, लेकिन 60, 70 और 80% काम आपके सहयोग से आपके भाई ने तो हमें ठीक करने का काम किया है। हर समय आपकी आवाज उठाता हूँ। जो करप्ट और भ्रष्टाचार से लिप्त कोई भी किसी विभाग के अधिकारी हो, उनको सख्त आदेश और निर्देश है, भाई बख्शा नहीं जाएगा। मेरे लोगों को अगर तंग किया, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक टीम की तरह काम करेंगे, अच्छी टीम पैदा करके दो। जो सोच हम लेकर आए थे, उस सोच पर मैं खरा उतरूंगा, और उसी सोच पे आप इनको अगर बढ़ाकर भेजेंगे तो मेरे से ज्यादा मजबूती के साथ ये काम करेंगे, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। रमेश गोयल जी समाज से जुड़े आदमी है, सामाजिक आदमी है, वैवाहिक आदमी है, ये तो नए नए वो कई हो रहे हैं, मैं देखने लग रहा सोशल मीडिया पे, उन्हें कौन कौन लोग कैसी कैसी बात करें। वही पुराने वाला घड़ा जो अपन तोड़े है, जो एक जो माहौल था अपने बदलने का काम किया, उसको दोबारा लाना चाहते हैं। बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं, बैकडोर से जो अपने बाहर निकाल थे लोग, कि दोबारा से हमारी दलाली की दुकान शुरू हो, दोबारा से हमारी कमीशन खोरी की दुकान शुरू हो। यह गलती मेरे हिसाब से तो आने के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां तक आने में आपने और हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत पसीना बहाया साथियों, उसका रिजल्ट आना बाकी है, उसका रिजल्ट आएगा। इनको चुन के भेजो, जैसे मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, इसी प्रकार बड़े भाई साहब को आशीर्वाद दो, रमेश गोयल जी को आशीर्वाद दो। और उस दिन चापी का चुनाव चिन्ह है, जिस तरह हम ठोक ठोक के चापी के ऊपर अपने बोर्ड में लटाई पे लाई थी, उस तक सवाई बोर्ड करके दो, मजा आ जाएगा। हरियाणा में एक रिकॉर्ड बन जाएगा, जैसे मेरे लिए रिकॉर्ड बनाया है, और उसी रिकॉर्ड बनाने की वजह से आज आपका भाई एक मंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा है। बहुत बड़ी ताकत आज सरकार में टोहाना की है, इसका सदुपयोग आज तक टोहाना के लोगों में, जो आपने चुनके बेचे उन्होंने आपके लिए नहीं किया। मैं छाती ठोक के भगवान से डर के एक बात बोलता हूँ, आपके सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा चेयरमैन, स्कूल की मांगे होनी चाहिए, गली पक्की होनी चाहिए, और पानी की भी सुविधा होनी चाहिए। हाँ करके दिखाओगे तो देखेंगे। हाँ, और हमारे जो गिला वाली डाणी है नी, इसमें छोटे बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, और जो आंगनबाड़ी है नी, उसके लिए जमीन होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर शिविरों की जो रुकावट है उसे साफ करवाए, गलियों में लाइटें लगवाए, और हमारे हाँ जी हाँ पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमें, रमेश गोयल हमारी सभी इच्छाएं को पूरा करेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को, और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।